हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। प्रॉक्सी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स रोज़ाना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पढ़ने वाले हैं। आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम रहे करंट अफेयर्स का, इसीलिए जो की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उन्हीं को कवर करेंगे हमारे करंट अफेयर रोज़ाना सीरीज़ में। आज है डे नंबर 8। कैसे देखते देखते आठवां दिन आ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारे रिवीजन आगे पेस पकड़ती जाएगी और हम धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए कवर करते रहेंगे। चलिए, सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। प्रॉक्सी ज्ञान लेकर आया है बीपीएससी की टेस्ट सीरीज। अगर आप बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 30 सितंबर को एग्जाम आने वाला है, और अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है तब भी ये टेस्ट सीरीज आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस वेरोनिका मैम के डायरेक्ट अंडर डायरेक्शन में। 1 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इस टेस्ट सीरीज़ का। आपके लिए एक प्राइवेट सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जहां पर आपके सारे डाउट्स को केटर किया जाएगा। 20 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने पेमेंट ऐप से ये QR कोड को आपको स्कैन करना है। पेमेंट होने के बाद आपको उसकी रिसीट इस WhatsApp नंबर पर हमें भेजनी है। जैसे ही आप अपनी रिसीट भेजेंगे हमारी टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर इनरोल कर लेगी और आपके टेस्ट आपको प्रोवाइड होने 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ही सीट्स बची हैं इस टेस्ट सीरीज में क्योंकि लिमिटेड सीट्स हमने ओपन की हैं, तो फटाफट से आज ही आप इनरोल कीजिए और जल्दी से अपनी बीपीएससी के सपने को साकार करने का आज स्टेप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े हैं। देखिए, हिंदू न्यूज़पेपर से हमने द ओपीएम वॉर्स पढ़ा था, उसके बाद हमने डेमोक्रेसी के ऊपर आर्टिकल पढ़ा, विश्वकर्मा स्कीम, जनधन योजना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है जो कि आपके GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये DPDP बिल क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, रिसेंटली लोकसभा में पास किया गया। ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ है। ये एक प्राइवेसी लेजिस्लेशन है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जब हम डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करते हैं, ये आपको की टर्म्स यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले इसके की टर्म्स पढ़ेंगे और उसके बाद इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला की टर्म है इस बिल के अंदर डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी कौन होता है? डेटा फिड्यूशरी वो होता है जो डिसाइड करता है कि जो डेटा हमने गैदर किया है उसको किस पर्पस के लिए प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इसमें कीवर्ड आता है डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर वो होता है जो डेटा कलेक्ट हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन कलेक्ट हुआ हो या ऑनलाइन कलेक्ट हुआ हो, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ डेटा फिड्यूशरी। ठीक है, तो डेटा फिड्यूशरी डिसाइडिंग अथॉरिटी रहेगी जो बताएगी कि किस पर्पस के लिए हम इस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। डेटा प्रोसेसर फिर उस पर्पस के लिए डेटा को यूज करेगा। मान लो कि जनगण पॉपुलेशन काउंट के लिए डेटा कलेक्ट हुआ है या फिर किसी तरीके के सर्वे के लिए डेटा कलेक्ट हुआ है, तो उस पर्पस को डिसाइड करने वाला डेटा फिड्यूशरी रहेगा और उसे प्रोसेस करने वाला डेटा प्रोसेसर रहेगा। उसके बाद आता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। एक बार पर्पस डिसाइड हो जाता है फिर डेटा प्रोसेसर प्रोसेसिंग शुरू करता है पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा की। उसके बाद आता है डेटा प्रिंसिपल। जिसका डेटा कलेक्ट हुआ है उसे हम बोलते हैं डेटा प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस कलेक्ट हुआ है तो आप हुए डेटा प्रिंसिपल। उसके बाद आता है क्रिटिकल पर्सनल डेटा, यानी कि आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स, आपका फोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, आपके ब्लड रिपोर्ट, ये सब क्रिटिकल पर्सनल डेटा का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने की टर्म्स इसके अच्छे से समझ लिए। अब हम इसका फीचर समझते हैं, क्योंकि किसी भी बिल को जब आप पढ़ते हो तो आप हमेशा याद रखना कि प्रिलिम्स में या फिर मेंस में उसके फीचर्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल डेटा आखिर होता क्या है, क्योंकि अगर हमको पर्सनल डेटा की डेफिनेशन समझ आ गई तो हम आगे का कॉन्सेप्ट आराम से खुद ही समझ लेंगे। पर्सनल डेटा इज डिफाइंड एज एनी डेटा about an individual who is identifiable by or in relation to such data
that is personal data. For example, your contact detail, for example, your biometric detail, for example, your medical test reports, all of them are personal data. ओके, जिसके थ्रू आपको एज इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किया जा सके वो पर्सनल डेटा हो जाता है. कार का नंबर पर्सनल डेटा नहीं होगा क्योंकि उससे आपको इतना प्रॉमिसिंगली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, आपका फ़ोन नंबर, आपकी आंखों का स्कैन, आयरिस स्कैन, ये सब आपका पर्सनल डेटा बनता है. अब इस बिल का फीचर समझ लेते हैं. पहली बात तो दिस अप्लाइज टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा. डिजिटल पर्सनल डेटा ऑनलाइन भी कलेक्ट किया जा सकता है और हो सकता है ऑफलाइन कलेक्ट किया था कोई फॉर्म फिल करवा के बाद में उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया, डिजिटाइज कर दिया गया. जैसे कि आप क्या करते हैं, आप अपने हैंड रिटन नोट्स को चैट जीपीटी के थ्रू ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वो हो गया आपका यू नो कन्वर्जन प्रोसेस. अब सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर आता है, दिस एक्ट विल ऑल्सो अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया. मान लीजिए आपका डेटा बाहर से लिया गया है, क्यों? क्योंकि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भारत में बेच रहे हैं. मान लीजिए कोई इंसान है जो बाहर का इंसान है, फॉरेनर है, बट वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच रहा है, तो उसका भी डेटा कलेक्ट होगा बिकॉज इंडिया इज इन्वॉल्व्ड हियर, है ना, इनडायरेक्टली इंडिया यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है ना. अब सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर पे आते हैं. थर्ड इज कंसेंट मे बी विथड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप डेटा प्रिंसिपल है, आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो आपने कंसेंट दिया हुआ है, आपके कंसेंट के बिना डेटा कलेक्ट नहीं होगा, बट आपने जो कंसेंट दिया है वो आप वापस भी ले सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि भैया नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मेरा डेटा यूज़ करें. ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया विल बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट. अब यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्यों एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टू मॉनिटर and the compliance of the bill and to impose penalties if the bill features are violated. Okay? अगर इंसान को किसी तरीके की grievance face कर रहा है कोई इंसान इस bill के अंदर, तो वो भी data protection board ही handle करेगा. तो ये है इसमें आपका इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा हो. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पर मिल जाएगा. वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से हमारे नोट्स को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.